बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की दी गई नेमतों के शुक्र के साथ आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम लोग घूमने फिरने आए हुए हैं इस्लामाबाद। तो जी ये अभी शहर में हम लोग एंटर हो चुके हैं और ये G9 से हम लोग गुजर रहे हैं और आपको रोड्स दिखाते जाते हैं। जी गर्मी है अच्छी खासी और लॉकडाउन की सूरत हाल भी आप देख रहे हैं कि रश नहीं है इतना सड़कों पे, बस प्राइवेट जो है वो गाड़ियां चल रही हैं, बाकी लोग भी इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकले हुए। यूजली भी यहाँ तो इतना रश नहीं होता है। तो G9 ख़त्म हुआ और यहाँ से अभी हम टर्न लेंगे और बिल्कुल जो है ये सामने F10 है, ये यहाँ से हमने अभी टर्न लिया तो ये G10 स्टार्ट हो चुका है। ये सेक्टर्स हैं डिवाइड हुए हुए, अभी तो और भी ढेर सारे सेक्टर्स बन चुके हैं लेकिन जो मेन सेक्टर्स हैं वो ई सेक्टर से जो है वो H सेक्टर पर चलते हैं, बाकी और डेवलपमेंट भी होती जा रही है यहाँ पे। और फिर ये जो सेक्टर्स हैं इनमें फर्दर 4 कैटेगरीज हैं, 1, 2 एंड 3, 4, और उसके बाद जो है ये डिफरेंट कैटेगरीज के साथ इसको डिवाइड किया गया है। इस शहर को सूरत शहर है, मैनेजेबल है और ब्यूटी है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ये G10 की रोड है सामने, बिल्कुल अभी यहाँ से हम टर्न लेंगे और मेन F10 मरकज तक जाएंगे और 4 सेक्टर्स के अंदर एक मिड में जो है वो मरकज है, छोटी सी एक मार्केट होती है और उसको मरकज बोलते हैं। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सिल्वर ऑक्स की बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल राइट साइड पे मैकडॉनल्ड्स है। और थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो आपको फातिमा जना पार्क नज़र आएगा। फातिमा जना पार्क जो है वो टोटल F9 पार्क भी कहा जाता है, पूरा जो है F9 का सेक्टर जो है वो इस गार्डन में आता है। सारा ये F9 सेक्टर में ये पूरा गार्डन बना हुआ है। ये एक नया और प्लाजा बन रहा है यहाँ पे। और ये मरकज स्टार्ट हो गया F10 का, तमाम दुकानें बंद, तमाम ब्रांड्स आउटलेट बंद, ईच एंड एवरीथिंग क्लोज। बस सड़कों पे जो है घूम फिर के घर चले जाएंगे हम, घर रह रहे के जो है वो बस हुई हुई है, पता नहीं कब ये लॉकडाउन खत्म होगा। जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये फातिमा जना पार्क है और ये लेफ्ट साइड पे जो आपको ये बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये F10 की, F10 मरकज की जो है ये इमारतें हैं, सारी जो हैं क्लोज। ग्रोसरी एरिया खुला हुआ है बाकी बंद है। ये भी हम मरकज में एंटर हो जाते हैं। यहाँ अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स थे लेकिन अभी बंद हो चुके हैं। ये मिड में जो है आपको राइट साइड पे एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोग बैठ के खाना शाना खाते हैं, सिटिंग एरिया बनाया हुआ है लोगों ने। सिर्फ ग्रोसरी एरिया खुला हुआ है, अभी वॉक्सिन का बाकी बंद है। सामने आपको तकरीबन ये सारे प्राइवेट ऑफिसेज नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट कंपनीज के। टॉय शॉप भी बंद है, सोचा था कि मिठाई को कोई खिलौना वगैरह ले देते हैं यहाँ से। वन शॉप बंद है। अब
भी निकलते हैं और चलते हैं फैसल मस्जिद की तरफ। और पक्की बात है कि वो भी बंद ही होगी, लेकिन चलें घूम फिर आते हैं। क्योंकि तमाम पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो बंद किए हुए हैं। ये भी है F10 मरकस। खामोशियां ही खामोशियां, वीरानियां ही वीरानियां। अल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो शहरों को आबाद करे, आमीन। स्वीट्स एंड बेकर्स, जमील स्वीट्स एंड बेकर्स, अफ्रीका रेस्टोरेंट्स। ओपन है, ये है कि शहर में फूल बड़े अच्छे गले खिले हुए हैं, खूबसूरत से पटूनिया काफी ज्यादा हुआ हुआ है, कलरफुल फ्लावर्स हैं। और ये जो आपको सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, ये मुस्तफा टावर की बिल्डिंग है। घर है रिहायशी और राइट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये जो जलसले में बिल्डिंग गिरी थी ये बिल्कुल इसके साथ वाली बिल्डिंग है, वो अभी तक जो है वो डेवलप नहीं हो पाई है। मलबा अभी भी उसका वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, उसको रीन्यू करने कर रहे हैं, लेकिन कोई इतना जो है वो खातर खा काम देखने में नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल इसके साथ जो बिल्डिंग थी वो गिर गई थी दलदले में मुस्तफा टावर्स के। इस इमारत की हालत भी कुछ खस्ता सी ही है, लेकिन चलाए जा रहे हैं। अभी यहाँ से जो है टर्न लेते हैं, ये बिल्कुल सामने जो आपको नजर आ रहा है ये F9 पार्क है, इसको फातिमा जना पार्क भी बोलते हैं। और अभी यहाँ से हम लोग टर्न लेते हैं और चलते हैं फैसल मॉस्क की जानेब। राइट साइड पे F10 और लेफ्ट साइड पे F9 सेक्टर। खासा बड़ा जो है ये पार्क है, और ये जो सामने आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये सिल्वर ऑक्स की बिल्डिंग है, और इसके साथ एक न्यू बिल्डिंग का नया प्रोजेक्ट है, ये बिल्डिंग में काफी कंस्ट्रक्शन हो रही है। नाम पता नहीं क्या है इस प्रोजेक्ट का, लिखा तो हुआ है लेकिन रिव्यूअर से नहीं गुजरा। और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मैकडॉनल्ड्स है, ये भी सिर्फ ड्राइव के लिए खुला हुआ है, लेकिन एरिया नहीं है मैकडॉनल्ड्स। सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, ये भी अंदर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चल रही है। काफी नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मेन रोड्स पे थोड़ा बहुत रश है, लेकिन जो अंदरूनी शहर है वहाँ पे लोग नहीं निकले हुए, घरों में ही मशहूर है। और ये जी अभी हम
यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहे हैं। ये रोड बहुत खूबसूरत है, स्पेशली सर्दियों में इसके साइडों पे दरख्त लगे हैं, इनकी कोन्स गिरती हैं ज़मीन पे और उन कोन्स को हम जो है वो डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट पेंट कलर्स करके। और मैंने तो अपने घर में जो है वो काफ़ी सारी रखी हुई हैं कोन्स, अभी अगर मेरे यहाँ से नज़र आई तो मैं लूँगी भी, मैं देख रही हूँ ये जो ये गिरी हुई हैं इन दरख्तों से कोन्स, तो हम यहाँ से ये लेंगे और घर जाके इनको पेंट करेंगे और सजावट करेंगे। तो जनाब मुझे अच्छी खासी कोन्स यहाँ से मिल गई हैं, तो मैंने गाड़ी में रख ली हैं, घर जाके इनको धोएंगे और इनको अच्छा सा पेंट करके इसकी सजावट करेंगे। ये रोड स्टार्ट हो चुका है फैसल मोस्ट का, फैसल मस्जिद वाला रोड स्टार्ट हो चुका है और सामने ही हमें बैरियर्स लगे हुए नज़र आ चुके हैं स्क्रीन के, ये भी बंद बिल्कुल जी जनाब, ये भी क्लोज। यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं, ये आपको सामने मार्गला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी हैं। शाम को जब हम यहाँ मस्जिद में बैठे हैं तो ये पहाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मस्जिद तो बंद थी और मिकाइल अहमद काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था गाड़ी में बैठ के, ये बाहर निकलना चाह रहा था, तो हम इसको भी बाहर लेके आए हैं और यहाँ पे ये थोड़ा सा घूम फिर ले, चल फिर ले, फ्रेश हो जाए तो फिर हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा है, बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और बड़े बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हमें बच्चे की फीलिंग्स को समझना चाहिए। इसके साथ अभी इसके बाबा को खेल लें थोड़ा सा, रिफ्रेश हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट सफ़र करेंगे। इसकी स्टाइल चेक करें ज़रा आप, खुश हो गया, गोल गोल घूम रहा है। केलियां चेक करें जरा इसकी, सारे कपड़े गीले किए हुए हैं। अभी हम सफर अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पहले मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है घूम फिर के, तो अभी हम फिर चलते हैं लंच करते हैं सेवर कोर्ट से। ये राइट साइड की जो है टावर जो तीन नजर आ रहे हैं, ये सेंट रोज टावर्स हैं और ये आपको ये वाला जो टावर नज़र आ रहा है ये पंप टावर है, ये वाला टावर जो है ये सेंटोरस इसको बोलते हैं। जो है अभी हम ब्लू एरिया में एंटर हो जाएंगे, वहाँ से फिर सेवर फूड लेंगे। सेवर फूड में स्पेशल इनका पुलाव बहुत मज़े का होता है, वो लेंगे हम लोग। उसके बाद तहजीब बेकर से सैलेड लेंगे, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन के साथ लोग जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं, अंधाधुंध गाड़ियाँ नहीं चलती यहाँ पे, पता नहीं सिक्योरिटी की वजह से तमीज़ से चलाते हैं या जो है वो अपनी मर्जी से तमीज़ से चलाते हैं। तो जी ये है ब्लू एरिया, लेफ्ट साइड पे जितने भी आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ये सारी जो है वो ऑफिसेज हैं डिफरेंट कंपनीज के, प्राइवेट कंपनीज के, रेस्टोरेंट्स हैं मोस्टली जो है वो बैंक्स हैं। और आगे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे हमें सेवर फूड जो है मिलेगा और चेस करके फिर सेटिंग एरिया तो नहीं इन्होंने अभी ओपन किया हुआ,
ज़ाहिर सी बात है कि तमाम रेस्टोरेंट्स पे सिटिंग एरिया बंद है। पैक करवाएंगे और कहीं रुक के खा लेंगे। रास्ते में आपको ग्रीनरी जो है वो खत्म नहीं मुझे देखने में मिलती रहती है। लश ग्रीन कलर्स, ग्रीन बेल्ट्स, लोग नजर नहीं आते जितने गाड़ियां नजर आती हैं। बिल्कुल सामने ईगल प्लाजा है, व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग है और यहाँ से दुनिया की बिल्डिंग है जो बिल्कुल चाहते हुए सामने ये सऊदी टावर है। और अभी जो है वो टेक अवे करवाते हैं, पार्सल लेके फिर कहीं रुक के खाना खाएंगे। तो जी ये हमने लिया है पार्सल, इसमें कुछ इस तरह से सैलड की एक थैली है और एक ये दही का पैकेट है और ये एक बॉक्स में दो शामियाँ और एक चिकन पीस। चिकन पीस अच्छा खासा भूरा है और राइस भी अच्छे खासे मकदार में है। दो लोग इजीली ये एक पैक खा सकते हैं, एक बंदा ये एक पैक ख़त्म नहीं कर सकता। तो जी मिकाइल अहमद को भी चेक करवाते हैं।